दोस्तों धारी देवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के चार धाम हैं। अगर आपने चारों धाम की दर्शन कर लिए और आप धारी देवी नहीं गए तो इसका मतलब आपके दर्शन अभी भी कुछ अधूरे रह गए। उत्तराखंड के चार धाम हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। कहते हैं कि चारों जगह दर्शन करने के बाद आपको धारी देवी आना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और अगर आप धारी देवी दर्शन करने के लिए नहीं आए तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके दर्शन अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि धारी देवी का जो मंदिर है वो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बिल्कुल बीचों बीच में है। जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे या फिर केदारनाथ की तरफ जाएंगे तो रास्ते में रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर पहले धारी देवी मंदिर पड़ेगा आपको। और मैं आपको बता दूं कि धारी देवी का जो मंदिर है वो बिल्कुल अलकनंदा मंदिर के बीचों बीच में है। और कहानी कुछ ऐसी है कि कहते हैं कि माता को बचपन में ही मार के नदी में फेंक दिया गया था और फिर आकाशवाणी हुई थी जहां से आवाज आई थी कि मुझे यहां से निकालो। और माता का शरीर नदी के बिल्कुल बीचों बीच में था तो ऐसा कहा गया था आकाशवाणी के द्वारा कि आप मुझे निकालिए और आप यहां पे पानी में नहीं डूबेंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि माता का जो शरीर था वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच में था, तभी एक पुरुष नदी की ओर जाते हैं और माता के शरीर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और वो देखते हैं कि भूमि अपने आप ही उनको रोक रही है जिस वजह से वो नदी में नहीं डूब पा रहे, तो माता के शरीर को बाहर निकालते हैं और आज आप जाके धारी देवी का दर्शन इसी जगह पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धारी देवी का जो मंदिर का जो मूर्ति है वो दिन में 3 रूप बदलते हैं। कहते हैं कि अगर आप सुबह सुबह जाके दर्शन करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप किसी बालिका का दर्शन कर रहे हो, और आप अगर दोपहर में जाके दर्शन करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी औरत का दर्शन कर रहे हो, और वही अगर आप शाम को जाके दर्शन करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी वृद्ध महिला का दर्शन कर रहे हो। दोस्तों कहानियां तो काफी है और कहानी ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, और कहानी ना हो तो हम एक दूसरे से जुड़ के रह ही नहीं सकते। तो दोस्तों अगर आपका कभी भी प्लान बनता है कि आप केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आते हो तो आप ध्यान रखें कि आप धारी देवी का दर्शन करना न भूले, क्योंकि तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धारी देवी का दर्शन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है अगर आप उत्तराखंड के चार धाम का दर्शन करना चाहते हो, यात्रा पूरी करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर किस तरीके से जाया जाता है, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउ होगा, बट जितना भी अलाउ होगा मैं लेके चलने की कोशिश करूंगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ही मंदिर है, ठीक है, और इसके अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है जैसा कि यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। बट इस तरीके से लाइन बना के आपको जाना होता है, ब्रिज रहती है जो कि अलकनंदा तक मंदिर के बीचों बीच तक आता है रास्ता, ठीक है। तो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर जो है वो बिल्कुल अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है, तो ब्रिज के द्वारा ही आपको जाया जाता है। और ब्रिज में भी एक लिमिटेड भीड़ ही इकट्ठी करी जाती है, ज्यादा भीड़ इकट्ठा करा नहीं जाता है, एक सीक्वेंस लाइन की तरह जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप मंदिर के नीचे साइड से भी एक रास्ता है जहां पे आप आ सकते हो,